ठीक है ना, ये जो फिनोमिना है ये एवोगेड्रोज लॉस पे बेस होता है। जो एवोगेड्रो लॉ हमने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा था या गैस स्टेट में भी सीखा हुआ है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स प्रोवाइडेड दे आर एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट। सो ये वाला पॉइंट यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन एवोगेड्रोज लॉ विच स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ पी एंड टी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट है, ठीक है, इडियोमेट्री क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, या इडियोमीटर, ठीक है। इडियोमीटर एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर रिएक्शन चल रही होती है, जो भी केमिकल रिएक्शन हमको करने वाली है वो एक ग्लास ट्यूब में करवाते हैं और हम वॉल्यूम नोट करते हैं उसका, ठीक है ना, राइट। उसी ट्यूब को क्या कहते हैं, इडियोमीटर कहते हैं, ठीक है ना, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इडियोमेट्री। तो इडियोमीटर इज अ ट्यूब, ठीक है ना, टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज इडियोमीट्री, ठीक है। इडियोमीटर जो ट्यूब होती है, इट इज अ ग्लास ट्यूब, इसमें क्या होता है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोड जस्ट स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए होता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को आपको क्या करना पड़ता है, सम सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, टू प्रोसीड द रिएक्शन। सो दैट वॉज सप्लाइड विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल स्पार्क विथ हेल्प ऑफ अ प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, राइट, ठीक है। तो इडियोमीटर क्या है, इडियोमीटर इज अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग अ प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड यूज्ड टू प्रोड्यूस अ स्पार्क इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन, राइट। अब स्टूडेंट क्या है, ठीक है, एजम्पशंस क्या क्या लेने हैं आपको, या क्या क्या हमने लिए हुए हैं व्हाइल परफॉर्मिंग द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ इडियोमेट्री, राइट, ठीक है। फर्स्ट एजम्पशन है, ठीक है ना, एयर इज कंसिडर्ड टू बी अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2, राइट। हमें पता है एयर में और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, बट मेजरली क्या होती हैं, दो ही गैसेज होती हैं, N2 और O2। सो द एयर इज कंसिडर्ड टू बी अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2, राइट, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, राइट। बाकी गैसेज को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नाइट्रोजन, N2 इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन रिएक्टिंग या इनर्ट गैस होती है। नाइट्रोजन को यूजली क्या करते हैं, हम इनर्ट मानते हैं, वो रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि उसका बॉन्ड एनर्जी जो N और N का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रोजन इजिली डिसोसिएट नहीं करता है। सो N2 इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन रिएक्टिंग और इनर्ट गैसेज अंटिल और अनलेस स्पेसिफाइड, जब तक कहा ना जाए तब तक आपको इसको इनर्ट मान के ही चलना है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि जो वॉल्यूम है, राइट, वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड और जो लिक्विड है स्टूडेंट, वो क्या है, नेग्लेक्जिबल है विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इज अंटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड। अगर कोई सॉलिड और लिक्विड आ रहा है तो उसका वॉल्यूम है नेग्लेक्जिबल मानना है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इज अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफाइड, जब तक कहा ना जाए तब तक, राइट, तब तक हम नेग्लेक्जिबल ही मानेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड का, राइट, क्योंकि हम पता है वॉल्यूम जो होता है गैस एक्सपेंड करती है और ऑक्यूपाई करती है जितना स्पेस उसको अवेलेबल होता है, ठीक है, बट सॉलिड और लिक्विड ऐसा नहीं करते, राइट। All reactions are carried out at normal condition in idiometer. ज्यादातर क्या होगा, जो सारी रिएक्शन होगी वो idiometer में, जो ग्लास ट्यूब मैंने बताया था उसी में रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है ना, और उसी में करवानी है जब तक कि अलग कोई वेसल मेंशन ना हो, तो until unless specified, right? Next है, water is in liquid state. हमें पता है water liquid state में होगा, अगर क्या होगा pressure 180 होगा और temperature क्या होगा, below क्या होगा 100 degree Celsius। तो अगर क्या है, वाटर लिक्विड स्टेट में होगा और लिक्विड स्टेट में होगा तो इसका वॉल्यूम नेग्लेक्जिबल होगा, अभी हमने कहा था, ठीक है ना। अगर क्या है, अगर प्रेशर कितना है 180 है और टेम्परेचर क्या 100 degree से कम है, ठीक है, राइट। सो दीज आर द एजम्पशंस, राइट, रिगार्डिंग द इडियोमेट, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वॉल्यूम चेंज मे टेक्स प्लेस, ठीक है ना, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है ना, कभी क्या हो सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है, कॉन्ट्रेक्शन भी हो सकता है, या वॉल्यूम सेम भी रह सकता है, ना एक्सपेंशन ना कॉन्ट्रेक्शन। तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है आपको, वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव ही लेना है। इट मे बी वी आर माइनस वी पी, वी आर इज टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड वी पी इज टोटल वॉल्यूम प्रोडक्ट, तो इधर यू कैन राइट वी आर माइनस वी पी और वी पी माइनस वी आर, इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तब हम ले लेंगे वी आर माइनस वी पी, अगर कंप्रेशन हो रहा होगा या कॉन्ट्रेक्शन हो रहा होगा, सो दिस मीन्स क्या होगा, वी आर माइनस क्या कर लेंगे हम, वी पी लेंगे, ठीक है, राइट।
ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट इट साइड बाई साइड और यू कैन राइट इट लेटर ऑन, राइट? ठीक है, राइट, ठीक है. बहुत सारी केमिकल रिएक्शन क्या होती है जहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम कैन भी वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, वॉल्यूम कम भी हो सकता है, वॉल्यूम सेम भी रह सकता है. तो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम प्रोडक्ट, या फिर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट होता है. ठीक है ना, राइट. हाँ जी बेटा, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइट. अब देखिए यहाँ, ठीक है, जो फर्स्ट रिएक्शन है एच टू प्लस सी एल टू गिव्स टू एच सी एल, मुझे इसमें बताओ, ठीक है ना, कितना चेंज इन वॉल्यूम आएगा अगर रिएक्शन हो चुकी होगी तो. व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम? सभी गैसेस हैं, नो चेंज. क्या होगा? नो चेंज, क्योंकि क्या होगा अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं वी आर माइनस वी पी, तो वी आर कितना होगा, वी प्लस वी कितना, टू वी, और जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये भी प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा, टू वी, तो टू वी माइनस टू वी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सो यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, जीरो आएगा. ठीक है ना, राइट. अब देखता हूं, अगर मैं ये रिएक्शन आपको दिखाता हूं, अब मुझे बताइए व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम. इस रिएक्शन के लिए चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, एनी वन, व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम? ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन की कॉन्ट्रेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन की कॉन्ट्रेक्शन, एक्सपेंशन की कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, राइट. ठीक है, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव गिवन द राइट आंसर. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 2v, और ये कितना हो जाएगा v, और ये कितना, जब रिएक्शन होगी तो इनिशियली ये 2v था, ये खत्म हो गया, ये कितना है v, और ये कितना है 3v. अरे रुद्र बेटा, ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा, फिर तो आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आप ये नहीं पता पा रहे हो एक्सपेंशन हो रहा है कि कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मुझे बताओ रुद्र. यहाँ वॉल्यूम जब रिएक्शन भी तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, दो मोल से कितने मोल मिल रहे हैं, चार मोल मिल रहे हैं, तब यार ऐसी बात पूछ रहे हो आप कि हमें कैसे पता चलेगा. अगर आपको ही नहीं पता चलेगा फिर आपको तो कुछ भी नहीं पता. ठीक है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी प्लस वी कितना, वी प्लस कितना, 3V. यहाँ पे अब हम क्या यूज करेंगे, Vp माइनस Vr, क्योंकि हमें डेल्टा V पॉजिटिव लेना है. ठीक है ना, तो चेंज पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 4V, और ये कितना हो जाएगा 2V, 4V माइनस 2V तो कितना 2V, राइट. हियर एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस. अब मुझे ये देख के बताइए इसमें कि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, देखते कौन बताता है, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, रॉन्ग आंसर है अंश आपका, रॉन्ग आंसर है. नहीं, सभी का रॉन्ग आंसर है, कोई और नहीं, रॉन्ग आंसर है, सभी का रॉन्ग आंसर, राइट आंसर है 3v/2, कितना है 3/2, हाँ अभी किसी ने सही बोला है, 11537 जिनका रोल नंबर है, ये गिवन द करेक्ट आंसर. ठीक है, राहित, रोहित, रोहित हैज गिवन द करेक्ट आंसर, 3v/2 इज द करेक्ट आंसर, वाई. ठीक है ना, वाई रोहित, इट इज 3v/2, एनी वाई बेटा, वाई इट इज 3v/2, रोहित कैन यू आंसर इट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिकॉज लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, जीरो है, यहाँ वॉटर है, वॉटर इज लिक्विड. अभी मैंने बोला था यहाँ पे क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज नेगलिजिबल विद रिस्पेक्ट टू गैसेस अंटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड, तो वाटर इज अ लिक्विड. ठीक है, तो वाटर का तो जीरो हो गया, और ये v प्लस v बाय 2 कितना हो गया, 3v/2, तो 3v/2 माइनस 0, तो आंसर कितना हो गया, v/2. तो यहां क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है. ठीक है, राइट, टेल मी बच्चों, अभी तक समझ में आया कि नहीं आया, एक्सेप्ट 4 और 5 बॉयज, एनीबडी एल्स हैज आल्सो अंडरस्टूड? सिर्फ 4-5 बच्चों के अलावा किसी और को भी समझ में आया है कि नहीं आया है, प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड बेटा. राइट, देखिए बच्चों, हाँ, द कॉन्ट्रेक्शन इन द वॉल्यूम समटाइम इज यूज टू आइडेंटिफाई द गैसेज. ठीक है ना, क्या होता है, हम लोग जैसे इडियोमेट्री है, इडियोमेट्री से क्या हुआ, गैस निकली, उस गैस को क्या करते हैं हम,
किसी सरफेस पे एड्सॉर्ब करवाते हैं, क्या करते हैं किसी के सरफेस पे एड्सॉर्ब करवाते हैं, ठीक है ना, या कोई सब्सटेंस लेते हैं जो एड्सॉर्ब कर लेता है किसको, गैस को, सॉरी एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, गैस को, ठीक है। अब वो क्या है, सब्सटेंस जब गैस को एब्जॉर्ब करता है, लेट्स सपोज क्या है स्टूडेंट, अगर हमने कोई रिएक्शन करी ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, ठीक है, अब क्या हुआ, ये रिएक्शन हो गई, ये खत्म हो गया, ये गैस है और ये भी गैस है, ठीक है ना। अब क्या होता है, हम इसको लेट्स सपोज पास करा देते हैं एल्कली से, किससे पास कराते हैं, एल्कली से, एल्कली मतलब बेस, तो किसी बेस से पास कराएं तो ऐसा समझिए कि क्या पता सी क्या हो गया, सी एब्जॉर्ब हो गया, तो सी एब्जॉर्ब हो गया इसका मतलब सी हमें मिलेगा नहीं, सिर्फ वॉल्यूम किसका मिलेगा, डी का मिलेगा, इसका मतलब जो गैस एब्जॉर्ब हो जा रही है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो सी है, अगर सी क्या है, ठीक है ना, अगर कोई गैस एल्कली पे एब्जॉर्ब होती है तो कौन सी गैस होती है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो क्या है, बाय कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्शन वी कैन आइडेंटिफाई द गैसेस बाय एब्जॉर्बिंग इट इन इट ऑन सम किसी सब्सटेंस पे एब्जॉर्ब करवा सकते हैं उसको, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम समटाइम इज यूज टू आइडेंटिफाई द गैसेस, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व व्हेन सूटेबल एब्जॉर्बेंट इज यूज, ठीक है ना। एब्जॉर्बेंट वो सब्सटेंस होता है जो क्या था, सब्सटेंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, राइट। और वो कौन कौन से सब्सटेंस है वो आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है ना, राइट। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था एल्कली, अगर आप KOH या NaOH लेते हो, ठीक है, तो अगर आपके पास वहां पे CO2 गैस है, क्या है, CO2 गैस, तो CO2 गैस क्या करता है, एब्जॉर्ब हो जाती है, क्या हो जाती है, एल्कली एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, CO2 गैस को। सो दिस मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो सी गैस है वो कौन सी गैस रही होगी, CO2 गैस रही होगी, अगर वो एब्जॉर्ब हो गई किसमें, NaOH या KOH के साथ, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्बेंट पे क्या होती है, एब्जॉर्ब होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना, और वो कौन कौन सी जो कॉमन है वो आपको याद रखने, वो मैंने यहाँ पे टेबल में लिखे हुए हैं, प्लीज आके देख आइए, इसको याद रखेंगे आप, राइट। और आइए देखते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ मैंने, एब्जॉर्बेंट, ठीक है ना, यहाँ पे NaOH या KOH है, तो जो गैस एब्जॉर्ब होती है वो कौन सी गैसेज होती है, CO2, SO2, NO2, एसिडिक गैसेज ज्यादातर होती है, क्या होती है, एसिडिक गैसेज होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एमोनिकल CO2Cl2, क्या है, एमोनिकल CO2Cl2 कौन सी गैस एब्जॉर्ब करता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और C2H2, C2H2 है, ठीक है, राइट, जिसको आप इथाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, इथाइन, राइट। फिर है टर्पेंटाइन ऑयल, क्या है टर्पेंटाइन ऑयल, ये किसको एब्जॉर्ब करता है, ओजोन को, O3 को एब्जॉर्ब करता है। फिर एल्कलाइन पायरोगेलॉल, क्या है एल्कलाइन पायरोगेलॉल किसको एब्जॉर्ब करता है, O2 को। तो प्लीज ये दोनों बहुत कॉमन है और ये काफी ज्यादा यही पूछे जाते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, NaOH KOH CO2 खास तौर से, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन यूज होगा तो होता है ज्यादातर क्वेश्चन में, हाइड्रोकार्बन को जब बर्न करते हैं तो CO2 बनता है, तो ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है ना। और क्या है, क्योंकि जब हम अगर हम कंबशन करेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन यूज होगी, तो वो क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम पायरोगेलॉल यूज करते हैं, क्या करते हैं, पायरोगेलॉल। कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है या किसको करता है, एमोनिया को करता है। FeSO4 का अगर सॉल्यूशन है तो NO को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, राइट। और अगर हमारे पास क्या है, हीटेड Mg है, मैग्नीशियम है, तो वो किसको करता है एब्जॉर्ब, N2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट और फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे आपसे, राइट, ठीक है, ये और ये। तो पायरोगेलॉल याद रखना है, O2 को एब्जॉर्ब करता है, और NaOH किसको एब्जॉर्ब करता है, या KOH CO2 को, ये मोस्ट कॉमन है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट। ठीक है और अगर हमें क्या करना है, CO और CO2 आ जाए, उनको हमें सेपरेट करना है, तो CO और CO2 में या तो हम KOH ले लें, KOH इसको एब्जॉर्ब कर देगा, इसको रहने देगा, तो हम सेपरेट कर सकते हैं, या फिर अगर हम एमोनिकल CO2Cl2 लेते हैं तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, तो हम सेपरेट कर सकते हैं CO और Cl2 को, इधर बाय पुटिंग इट इन CO2Cl2 और NaOH के साथ, ठीक है। तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में अगर आपने अपनी बुकलेट देखी होगी, क्योंकि आजकल शायद आप बुकलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो डिस्कस भी करी जा रही है ना, टीचर आपसे डिस्कस भी कर रहे हैं बुकलेट के, तो अगर आप अपनी बुकलेट देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, तो उसमें आपको इडियोमेट्री के काफी क्वेश्चन मिलेंगे, राइट, इडियोमेट्री के। इफ एनीबडी हैज सीन इट, बेटा किसी ने देखा है क्या,
Anyone has seen the questions of adiometry in the booklet? आपको शायद बुकलेट मिल जाएंगे बेटा क्वेश्चन, राइट? ठीक है, और चलिए आगे आगे डिस्कस करते हैं, राइट? ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो आई विल सेंड फ्यू क्वेश्चन सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए. आई विल गिव अ सेपरेट असाइनमेंट बेटा. ठीक है, मैंने गैस लॉस का बेटा आपको सॉल्यूशन दिया था. कम से कम 15-16 क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व करके भेजे थे आपको, राइट? ठीक है ना, सम स्टूडेंट हैज गिवन, बट ऑनेस्टली बेटा काफी कम बच्चे कर रहे हैं, राइट? आई डोंट नो कि मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओनली फ्यू स्टूडेंट आर आस्किंग देयर डाउट. ठीक है, प्लीज करिए बेटा. अगर नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको, और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे, आपका स्कोर भी नहीं होगा. मैं आज आपको एक बात बताऊं बेटा, हाँ ठीक है ना, किसी भी टॉपर बच्चे से अगर आप मिलते हैं जो रैंक होल्डर होता है, चाहे जेई में या नीट में, ठीक है ना, उससे अगर आप पूछते हैं कि उसकी रैंक क्यों अच्छी आई है, तो उसका एक ही आंसर है बेटा, क्योंकि उसको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती थी. मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ बेटा, अगर आपका बेड़ा पार करना है किसी चैप्टर, जो बेड़ा पार करेगा आपका, ठीक है ना, जो नैया पार लगाएगा, वो केमिस्ट्री ही लगाएगा बेटा. क्योंकि जो केमिस्ट्री है जेई मेंस, जब जेई एडवांस में, ठीक है ना, तो फिजिक्स और मैथ्स बहुत टफ आती है, ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि वो नहीं होगी आपसे, बट क्या है, उस वहां पे स्कोर करना मुश्किल होता है, टफ है इन स्कोरिंग फिजिक्स एंड मैथ्स, एज कम्पेयर टू क्या, जो केमिस्ट्री है बेटा, उससे स्कोर करना बहुत आसान होता है. तो जो भी टॉपर बच्चे होते हैं, दे स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री, फुल आफ्टर फुल लगभग स्कोर करते हैं. यू कैन स्कोर इट आल्सो फुल आफ्टर फुल, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया नहीं है, ठीक है ना. अपने आप कोई नहीं बना सकता है. यहाँ पे मैं पायरोगेलॉल के जगह अलग से लिख दूंगा तो ये क्या होगा, O2 के एब्जॉर्ब करेगा? नहीं, ये आपको याद रहेगा. चार गैसेस दे दें, पूछेगा कि विच एब्जॉर्ब पायरोगेलॉल, तो जिसको आता होगा वही कर पाएगा. आप कितना भी दिमाग लगा लो वहां नहीं होगा. लेकिन मैथ्स में आप अगर ऐसे क्वेश्चन है 2x² + 3x + 4 = 0, ठीक है ना, अब इसमें आप दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे, राइट? या मैं आप किसको पैरामीटर चेंज कर दूं तो आप लगा सकते हैं. तो यहाँ दिमाग लग जाएगा आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, या फिजिक्स में, ठीक है, एक पुली नीचे जा रही है, एक पुली ऊपर जा रही है, प्रेशर यहाँ लग रहा है, फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ आप ऐसा कर सकते हो या कर लोगे आप. लेकिन केमिस्ट्री में याद नहीं हुआ तो ये बिल्कुल नहीं होगा. वो ऐसे दे देगा ऑप्शन की कौन सा, विच इज द एब्जॉर्बेंट टू एब्जॉर्ब टू कार्बन मोनोऑक्साइड, चार ऑप्शन दे दिया आपसे, नहीं होगा, ये याद नहीं होगा कि C2Cl2 होता है, आप कर नहीं पाओगे. तो केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पे दिखा दिखाया चीज मिल जाता है, ठीक है ना, आपका किया कराया मिलता है, कुछ नया नहीं होता वहां. तो बस आपको रिमेम्बर रखना है हाउ यू कैन रिकॉल द थिंग्स, कितना आसानी से आप रिकॉल कर सकते हो, कितनी देर तक रिकॉल कर सकते हो, इट इज ऑल अबाउट इट, ठीक है ना, राइट? जो फिजिकल केमिस्ट्री आती है वो इजी आती है, राइट? जो हम अभी आजकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स इतने मुश्किल नहीं आते, एडवांस में मुश्किल आते हैं, बट जो ऑर्गेनिक है और जो इनऑर्गेनिक है, इट्स ऑल अबाउट रिकॉलिंग द सब्सटेंस. कॉन्सेप्ट आना चाहिए और आपको चीजें रिकॉल होनी चाहिए. अगर ये दो चीजें आपको आती है, कॉन्सेप्ट है आपके पास, आपको पता है, और यू रिकॉल द थिंग्स, ठीक है ना, आपको याद रहती हैं चीजें, ठीक है ना, राइट टाइम पे उसको रिकॉल कर लेते हो, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता बेटा सिलेक्शन से, ठीक है ना. 120 अगर आप 120 या 130 नंबर लेके आते हैं जेई मेंस में, और उसमें से क्या है, अगर 100 में से 80 या 90 केमिस्ट्री में स्कोर कर लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा आपका स्कोर बनेगा. और हार्डली इट विल टेक टू कम्प्लीट द क्वेश्चन, 30 मिनट में यू कैन डू द केमिस्ट्री पेपर, बट वही फिजिक्स और मैथ्स में करेंगे तो इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम. नीट में भी यही है बेटा, नीट में, ठीक है, सिमिलर 45 क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है ना, तो उसमें अगर आप नीट करोगे तो अब नीट में सिलेक्शन इतना टफ हो गया कि यू नीड एटलीस्ट 550, ग्रेटर देन 550 नंबर आउट ऑफ 720. इतने नंबर आएंगे तब, वो तभी आएंगे जब आप केमिस्ट्री स्ट्रांग रखोगे, ठीक है. तो प्लीज, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो बेटा तो गलती कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना, राइट? मैं इतने ही कह सकता हूँ, क्योंकि अभी आपके सामने तो मैं हूँ नहीं कि क्लास में हूँ आपको कुछ कह सकता हूँ. मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपको, प्लीज करिए एज मच ऑफ एज प्रॉब्लम, राइट? मुझे सिर्फ, आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 3 बच्चों ने डाउट पूछे थे, सिर्फ 3 बच्चों ने, ठीक है. वो डाउट काफी कॉमन थे, सारे के सभी के जो डाउट थे, और आई कैन नेम दीज 3 स्टूडेंट, ठीक है, मैं नेम भी बता सकता हूँ कि इन्होंने 3 ने मुझसे पूछा था. उसमें से एक गर्ल है और 2 बॉय है, बस एक्सेप्ट 3 बॉयज, 80
85 और 86 स्टूडेंट आर देयर इन टुडेस क्लास, ओनली 3 स्टूडेंट हैव आस्क्ड मी द डाउट ऑफ डीपीपी नंबर 1, और डीपीपी नंबर 2 के सिर्फ 2 बच्चों ने अभी तक भेजे। ठीक है, नहीं करेंगे बेटा तो दिक्कत होगी, ठीक है, राइट, सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। 96 आउट ऑफ 96 ओनली 2 स्टूडेंट हैव सेंड मी द डाउट ऑफ डीपीपी नंबर 2। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मैं आप ऐसे ही भेज दो कि सर ये डाउट है, ये डाउट है विदाउट किए हुए। प्लीज ऑनेस्टली ट्राई करिए आप। ठीक है, नहीं हो रहा है तो यू कैन कॉल मी ऑल्सो, ठीक है ना, राइट, वी कैन डिस्कस इट सेपरेटली ऑल्सो, बट करिए बेटा, एफर्ट आपको ही लगाना पड़ेगा। आइए आप डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है ना। सो प्लीज ये याद रखेंगे, एटलीस्ट ये और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखने, राइट, ठीक है, आइए। हाँ ठीक है, तो ज्यादातर क्या होता है, हम यहाँ पे इडियोमेट्री में स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन का क्या करते हैं, कंबशन करवाते हैं। मैंने अभी बताया था, ठीक है ना, कि हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाते हैं, और हाइड्रोकार्बन हम यूजली, ठीक है ना, जनरली क्या होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, एक एल्केन और एक एल्कीन और एक एल्काइन, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो एल्केन का अगर हम कंबशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्कीन का मिलेगा तो क्या मिलेगा, और एल्काइन का करेंगे तो भी क्या मिलेगा, राइट। बट हमें पता है हाइड्रोकार्बन में अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कोई और एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, तो हमें सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा CO2 और एक मिलेगा वाटर। ठीक है, याद रखेंगे वाटर लिक्विड स्टेट में ही लेना है आपको, मैंने अभी बताया था स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, जो गैस मिलेगी वो क्या मिलेगी, सिर्फ CO2। ठीक है, बट एल्केन में जो मोल्स मिलेंगे CO2 के या वाटर के, वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू एल्कीन और एल्काइन, और ऑक्सीजन कंजम्पशन भी क्या रहेगा, तीनों के लिए क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए इजी करने के लिए मैंने रिएक्शन दे रखी है, और ये फुली बैलेंस करके लिखा हुआ है, अब अगर आप देख सकते हैं, देखिए एल्केन जो होता है CnH2n+2 होता है, जनरल फॉर्मूला एल्केन का। तो अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराते हैं तो यहाँ पे आता है 3n+1/2, क्या आता है 3n+1/2, तो एन हमें क्या मिलता है CO2, और n+1 क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, अब जब एल्कीन वे यहाँ से प्लस टू है, एल्कीन में क्या करना है, यहाँ से ये 1 हटा देना है, क्या करना है, 1 हटा देना है, तो 3n/2 यहाँ n, और यहाँ से n हटा 1 हटा देंगे तो यहाँ n आ जाएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जब एल्कीन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक माइनस में 1 कर देना है, ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना, तो 3n-1/2 हो जाएगा, ये तो n ही रहेगा, यहाँ n-1 हो जाएगा। तो जब हम कंबशन कराते हैं CO2 के मोल्स तो सेम रहते हैं, ठीक है ना, बट वाटर के मोल्स चेंज होते हैं, और क्या है, और 3n बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम है बेटा, और क्या, 3 तो आपको पता है न्यूमेरिकल है, और n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऐसा मत बोलो यार, ऐसे पूछते हो तो मतलब लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता। n क्या है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, लेट्स सपोज आपके पास क्या है, C4H10, क्या है C4H10, मुझे बताओ एल्केन है कि एल्काइन है, ये एल्केन है कि एल्काइन है कि एल्कीन है, व्हाट इज दिस C4H10, एल्केन है, क्या है, एल्केन, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 3n+1/2 O2, और यहाँ लिखा था NCO2 और n+1 H2O। अब रिएक्शन लिखे, देखिए n कितना है, 4, तो ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, 4, 4 3 12, ठीक है, तो 12 + 1 13, तो यहाँ कितना आ गया, 13/2 O2, यहाँ कितना आ गया, 4 CO2, और यहाँ कितना आ गया, ये कितना आ गया, n कितना, 4 4 + 1 5 5 H2O। तो आप देख सकते हैं ये बैलेंस्ड हो गया, अभी कार्बन कितने, 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन को देखिए, 10, ये कितना 10, ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 13, 4 2 जाए 8 8 + 5 कितना, 13, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अभी क्लियर है, व्हाट इज n, जो भी n पूछ रहा था, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो ये अगर आपको याद रहेगा, ठीक है, ये जो मैंने बताया, तो ये इजीली आप बैलेंस करोगे, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत देखते ही आप बैलेंस कर दोगे इसको, ठीक है ना, ये सब सिंप्लीफाई करने के लिए, अदरवाइज यू कैन बैलेंस इट ऑन योर ओन ऑल्सो, आप अपने आप भी कर सकते हैं, बट अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यू कैन सेव योर टाइम। ठीक है, याद रखने से टाइम सेव होगा बच्चों बहुत ज्यादा, राइट। आइए हाँ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम, ठीक है, चलिए हाँ, ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा, फिर देखते हैं
फिर मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन है आपके सामने, 10 ml ऑफ CO इज मिक्स्ड विद 10 ml ऑफ O2 टू फॉर्म CO2, ठीक है। द कंसेंट्रेशन, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन वॉल्यूम इफ 100% इज यील्ड, अगर यील्ड 100% है तो कैलकुलेट द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, हमें डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। डेल्टा वी का फॉर्मूला आपके पास है, अभी हमने डिस्कस किया था, देखते कौन बताता है आंसर इसका। क्या करेक्ट आंसर है बेटा? एक दो बच्चों ने आंसर दिया है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फिफ्टीन एम एल, मुस्कान हैज गिवन द करेक्ट आंसर बेटा, आई थिंक सो ही है, ठीक है, देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है, राइट। अभी बच्चे कर नहीं पा रहे, देखिए कितना है ये 10, ये क्या पहले रिएक्शन लिख दें हम, CO प्लस हाफ ऑफ O2 गिव CO2, ठीक है, आइए देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये कितना 10 ml है, ये 10 ml, राइट। अब रिएक्शन जब होगी, ठीक है ना, राइट, अब मुझे ये बताइए इसके लिए 10 के लिए इसके कितने ml चाहिए, इसके 10 के लिए कितने ml चाहिए, हाउ मेनी ml इज रिक्वायर्ड फॉर 10 ml ऑफ दिस, ठीक है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो 10 के लिए कितना चाहिए, 5 चाहिए ना, 1 के लिए कितना चाहिए, हाफ चाहिए, तो 10 के लिए कितना चाहिए, 5, तो इसका मतलब इसके 5 मोल्स बचे रहेंगे, तो जो CO2 है उसके 5 मोल्स रिमेनिंग होंगे और जो CO2 के हैं उसके 10 मोल्स बनेंगे, ठीक है। तो आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये कितना, इसके 5 हो गए और इसके कितने हो गए, 10, तो इसका मतलब क्या होगा, जब कंप्लीट हुई रिएक्शन तो आपको दो चीजें मिली, एक 10 CO2 ml, 10 ml ऑफ CO2 और 5 ml ऑफ O2, तो कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना मिला, ये कितना मिला, लास्ट में प्रोडक्ट कितना मिला आपको, 15 ml, और इनिशियल कितना लिया था, 10 प्लस 10 20 ml, क्योंकि टोटल वॉल्यूम लेना है। सो दिस मींस डेल्टा भी कितना हो गया, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 10 प्लस 10 और इधर कितना, 15, तो आंसर कितना मिला, 5 ml, तो करेक्ट आंसर कितना है, 5 ml, नॉट 15 ml। मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना, ये रिएक्शन हमने लिख दी, रिएक्शन लिखनी सबको आती, बैलेंस करना सबको आता है, दोनों का वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना। मैं प्लीज फिर से कह रहा हूं, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डोंट कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू मोल्स, जैसे वॉल्यूम है जो आप मोल्स में करते थे वही आपको यहाँ पे करना है, ठीक है ना, राइट, कुछ भी अलग नहीं करना है, ट्रीट वॉल्यूम एज अ मोल बस, और क्वेश्चन करना है। तो ये कितना 10 और 10, लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, ये O2 है, ठीक है ना, राइट, सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, CO है, क्योंकि इसके लिए कितना चाहिए, 10 ml के लिए कितना चाहिए था, 5 ml, तो ये एक्स्ट्रा गिवन है, 10 ml मतलब 5 ml एक्स्ट्रा है, तो जब रिएक्शन करेंगे तो ये खत्म हो चुका होगा, आपको क्या मिलेगा, O2 कितना मिलेगा, 5 ml बचा रहेगा और ये 10 ml मिलेगा, इसका मतलब रिएक्शन से पहले कितना वॉल्यूम था, 10 प्लस 10 कितना, 20, और आफ्टर द रिएक्शन कितना वॉल्यूम हो गया, 5 प्लस 10 15, तो व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्शन कितना है, 5 ml का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यही क्वेश्चन है, जब यील्ड कितना है, 75% है, तो देखते कौन आंसर बताता है, व्हेन यील्ड इज 75%, एक्सेलेंट आंसर, एक्सेप्ट आंसर, एनीबॉडी एल्स, नहीं रॉन्ग आंसर है, नहीं बेटा 7.5 इज द राइट आंसर, पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, 7.5 इज द राइट आंसर, देखिए क्या है, अब मुझे बताओ फर्क क्या हुआ यहाँ पे, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर यील्ड यहाँ पे यील्ड 100, हाँ 75.7.5, देखिए क्या है फर्क, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस जगह पे जब 100% यील्ड था तो यह 10 ml आया था, जब 75% यील्ड होगा तो कितना आएगा, 7.5 ही तो आएगा, तो फर्क क्या रहा, बस 10 प्लस 10 और यहाँ कितना, 7.5 ही तो आया बस, तो आंसर कितना हुआ, 10 प्लस 10 20 और इधर कितना, 7.5 प्लस 5 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 7.5 ml आ गया।
क्लियर है बेटा, ये क्लियर है, ये सभी को क्लियर है ये, राइट। 70 यील्ड का मतलब कितना, यहाँ पे याद है परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला बताया था मैंने, तो आप वो भी लगा सकते हैं बट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आइए। चलिए बेटा आप खुद ट्राई करिएगा इसको, ठीक है ना, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, देखते हैं कौन करेक्ट आंसर बता। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, हमें नहीं पता इस बार हाइड्रोकार्बन कौन सी है, रिक्वायर्स 40 ml ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबर्शन टू कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। प्लीज टेक योर टाइम बेटा, यू हैव अ 2 मिनट, 2 मोर मिनट, देन यू कैन। नहीं बेटा रॉन्ग आंसर है, नहीं आ रहा किसी का। चलिए मैं करके देख बताता हूँ, राइट, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, आप कोई सा भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, लेट्स सपोज आपने हाइड्रोकार्बन ले लिया है, CXHY प्लस O2 गिव्स आपको मिलेगा CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा X और यहाँ क्या आएगा Y/2। अब देखिए ये क्या है, तो यहाँ तो ये कितना है X आया, और ये जो बैलेंस करेंगे तो यहाँ Y/4 आया, तो ये याद रखना है ये आपको, ये जनरल रिएक्शन है। जैसे वहां पे मैंने एल्कीन एल्कीन एल्काइन की कराई थी, तो वहां पे आप ये भी लिख सकते हैं, CXHY प्लस XY/4O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2H2O, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ यहीं पे लिख रहा हूँ इसको, सो दैट आप इसको यहीं पे मेंशन कर दीजिएगा, ये जहाँ पे एल्कीन था, राइट, एल्काइन, ये फोर्थ है, तो यहाँ हम जनरल लिख रहे हैं, तो ये है जनरल है हमारे पास, क्या है जनरल है हमारे पास, जनरल है CXHY प्लस एक्स प्लस Y/4O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2H2O, राइट। ये हमने रिएक्शन लिख दी। अब गेस कर सकते हैं व्हाट इज द आंसर, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर, अब बताइए सॉल्व करके व्हाट इज द आंसर। एनीवन, नाउ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर और नॉट? नहीं, अभी भी रॉन्ग आंसर है, C4H10 क्यों आएगा भैया, गलत आंसर है बेटा, सभी का रॉन्ग आंसर, मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा क्यों है सर गलत जवाब दे रहे हो आप। देखिए क्या है, लेट्स सपोज हमने रिएक्शन लिख दी, ठीक है, ध्यान से देखेंगे प्लीज को, सब लोग यहाँ पे देखेंगे, नो बडी विल यूज योर पेन, राइट। अगर मैं इसका XML लेता हूं, तो इसका हमें लेना पड़ेगा X plus Y/4 ml, और इसका मिलेगा मुझे XML, और इसका मिलेगा Y/2 ml, ठीक है, इसको, राइट। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यह था कि 10 ml आपने ये लिया रिएक्शन कंप्लीट, और रिक्वायर्स 40 ml आपने O2 लिया, और इतना 30 ml CO2 मिला, तो अगर मैं 10 ml लेता हूं तो ये मिलेगा X plus Y/4 × 10 ml लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा कितना 10X, और ये बन जाएगा Y/2 × 10 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है वो कि जो CO2 है वो कितना ml है, 30 ml है, तो दिस मीन्स 10X इज इक्वल टू कितना है 30, तो X कितना हो गया 3 हो गया, और यहां पुट कर दे, हमने ये बोला X plus Y/4 × 10 इज इक्वल टू जो O2 था वो कितना था 40 ml था, इज इक्वल टू 40,
तो x प्लस वाई बाय फोर इज इक्वल टू फोर आ गया, ये 3 लिख दिया, 3 प्लस हाँ इज इक्वल टू 4, तो y कितना आ गया 4 आ गया, तो करेक्ट आंसर क्या है C3H4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ लास्ट टाइम, ठीक है ना, प्लीज ध्यान से सुन इसको, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको ही करना है, ठीक है ना, राइट। देखिए क्या है, हमने क्या कोई भी, प्लीज सब लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना, राइट। हमने क्या, लेट्स सपोज कोई हाइड्रोकार्बन लिया, हाइड्रोकार्बन है CXHY, क्योंकि हमें नहीं पता था क्या है, प्लस क्या है O2, रिएक्शन बैलेंस करा x प्लस वाई बाई फोर इज इक्वल टू मिलेगा XCO2 प्लस वाई बाई टू एच टू ओ। अगर हम स्टाइकोमेट्री से देखते हैं, इसका 1 मोल, इसका इतना मोल, इसका x मोल और इसका वाई बाई टू मोल, तो हम, मैंने पहले बोला कंसिडर वॉल्यूम एज अ मोल, तो इसका मतलब इसका अगर 1 ml रिएक्ट करता है तो उसके लिए हमें जो ऑक्सीजन चाहिए वो कितना चाहिए, XY by 4 ml चाहिए। तो अगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमें XML क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, और Y by 2 ml हमें वाटर मिलेगा। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन लेना है, तो अगर मैं 1 ml के जगह 10 ml लेता हूँ तो ये कितना यूज कंज्यूम होगा, इतना कंज्यूम हो जाएगा, और ये बनेगा कितना 10 × x, और ये बनेगा वाई बाय 2 × 10 बनेगा। अब हो गया क्वेश्चन, वो उसने क्या बोला था कि जो CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 30 ml हो रहा है, तो 10x इज इक्वल टू कितना 30, तो x कितना आ गया 3 आ गया, और जो ऑक्सीजन जो कंज्यूम हुआ था वो हुआ था 40 ml, तो x प्लस वाई बाय 4 × 10 इज इक्वल टू कितना 40 ml, कैंसिल हो गया, सॉल्व किया तो y कितना आ गया 4, तो आंसर क्या हो गया C3H4 आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, टेल मी यस या नो, मैंने रिपीट भी कर दिया बेटा। मुझे बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या नाम है इस कंपाउंड का, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, अगर वो ऐसे ऑप्शन में पूछता व्हाट इज द नेम, क्या है प्रोपाइन, वेरी गुड, क्या, अरे इनू नहीं राघव भैया, प्रोपाइन, क्या है प्रोपाइन, इट इज एल्काइन, C3H4 प्रोपाइन, C3H6 प्रोपीन, C3H8 प्रोपेन, ठीक है। सो यहाँ पे यही मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर आप देखें CXHY यही लिया हुआ है मैंने, ठीक है ना, राइट। 10 ml के लिए कितना, जब सॉरी जब 1 ml के लिए कितना यूज होगा, 1 ml के लिए इतना यूज हुआ, तो 10 ml के लिए कितना यूज होगा, तो ये कितना था 10x इक्वल टू कितना था 30, x प्लस वाई बाय 4 × 10 कितना था 40, तो x और y आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आंसर कितना हो गया C3H4 हो गया। क्लियर है बेटा, राइट। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करके बताइए, देखते कौन बताता है, ठीक है। क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ C3H8, इस बार हाइड्रोकार्बन गिवन है और आप देखिए एल्केन गिवन है, तो आपको अगर वो याद है जो मैंने अभी बताया था उससे आप सीधे बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन। अ मिक्सचर ऑफ C3H8 एंड ऑक्सीजन हैविंग अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 100 ml, ठीक है ना, इन अ इडियोमेट्री ट्यूब इज स्पार्क्ड, और स्पार्क्ड होगा तो रिएक्शन होगा, इट इज ऑब्जर्व दैट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ 45 ml इज ऑब्जर्व, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वॉल्यूम कितना 45 ml, वॉट इज द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, ट्राई इट ऑन योर ओन बेटा, हाँ ठीक है, आप ट्राई करिए फिर मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है।
हुआ किसी से बेटा? चलिए यहाँ मैं करके बताता हूँ, राइट? ठीक है, क्या है हमारे पास है सी थ्री एच एट, तो एन कितना है? थ्री, तो यहाँ पे था थ्री एन प्लस वन, तो थ्री इंटू थ्री प्लस वन बाय टू, ये हो गया ओ टू, ये हो गया एन सी ओ टू और एन प्लस वन वॉटर, तो ये हो गया सी थ्री एच एट प्लस कितना टेन, दैट इज फाइव ओ टू गिव्स थ्री सी ओ टू प्लस फोर एच टू ओ, ये रिएक्शन हो गई। अब क्या पूछा, ये 100 ml लिया हुआ है हमने मिक्सचर, राइट? अब ठीक है, अब वो कह रहा है कॉन्ट्रेक्शन इन वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना, 45 ml, राइट? तो अगर आप ये देखिए, ये अगर मैं इसका x, इसका अगर हम x ml लेते हैं तो ये कितना होगा, 5x होगा। एक्सीलेंट मैग बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड, करेक्ट, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, x और 5x लिया तो ये कितना मिलेगा मुझे, 3x, और ये कितना मिलेगा, 4x, ठीक है, राइट? अब हमें वाटर तो कंसिडर करना नहीं है, तो कॉन्ट्रेक्शन इन वॉल्यूम कितना हो गया, ये कितना है 6x, 6x माइनस 3x, ये कॉन्ट्रेक्शन इन वॉल्यूम हो गया। फाइनल टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कितना गिवन है, 45 गिवन, सो दिस मींस कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 हो गया, तो x कितना हो गया 15, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 15 हो गया, तो ये कितना हो गया 15 इंटू कितना 5, 85 हो गया आंसर, ठीक है, राइट? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है, राइट? प्लीज याद रखिए, हाँ ठीक है। सो ये रिएक्शन हो गई, हमने रिएक्शन लिख दी, ठीक है ना, एक्स और ये 5x और ये कितना हो गया 3x, तो डेल्टा वी कितना हो गया 3x, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 45, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 15, ठीक है, ओके। एक मिनट, हाँ ठीक है, 75 होगा, तो यहाँ पे x था और ये 10 10 5, हाँ जी बेटा, सम नहीं हो रहा है, राइट? मे बी बेटा कुछ और इम्प्योरिटी या कुछ ईयर होगा इसमें, और कुछ ईयर होगा, राइट? ठीक है, बाकी रेस्ट ईयर होगा, क्योंकि हमने ईयर लिया हुआ है, तो मे बी इसमें कुछ और इम्प्योरिटीज हो सकती है, राइट? तो वो इसमें एक्स्ट्रा आ जाएंगी, ठीक है, राइट? मे बी बिकॉज जो आपने प्योर ऑक्सीजन ईयर लिया होगा या कुछ लिया होगा, तो इट मे बी सम इम्प्योरिटीज ऑल्सो, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी, राइट? ठीक है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? नेक्स्ट स्टूडेंट, अब प्लीज ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, देखते हैं ये आपसे होता है कि नहीं होता, ठीक है। अ 20 ml सैंपल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज एक्सप्लोडेड ठीक है, अ 20 ml ऑफ सैंपल ऑफ हाइड्रोकार्बन वॉज एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस ओ टू, क्या है, विथ एक्सेस ओ टू आफ्टर द रिएक्शन वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन इज 60 ml, कितना हो गया वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन 60 ml, वेन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज ट्रीटेड विथ KOH, याद आया, देखिए अब KOH आ गया, द अनदर वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन इज 80 ml टेक्स प्लेस, कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, प्लीज ट्राई करेंगे।
या आप यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सेस में हो सकता है ऑक्सीजन, हमने यहाँ तो ऑक्सीजन जो यूज हुआ कंज्यूम हुआ 5x, राइट, तो इट मे बी सम इन एक्सेस। ऐसा भी हो सकता है कि जो 10 ml है वो एक्सेस में हो सकता है, तो आप 85 ही लिखेंगे यहाँ पे, राइट, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा 5 ml तो हमने देखा ना स्टाइकोमेट्री से, तो कोई जरूरी नहीं कि एक्स्ट्रा भी तो गिवन हो सकता ऑक्सीजन, तो 85 ml क्या होगा ऑक्सीजन ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना, राइट। बेबी हमने यहाँ पे तो स्टाइकोमेट्री के हिसाब से देखा ना, सम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैन भी ऑल्सो भी गिवन, तो वो कितना गिवन होगा टोटल कितना 85 है, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ दो ही चीजें, तो हम ऐसा मानेंगे कि ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अरे नॉट गिवन तो क्या हो गया, एक्सेस ऑक्सीजन नहीं होता बेटा, ऑक्सीजन तो एक्सेस में हो सकता है ना सोनू भाई, ले सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए हाँ ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा, आई एम वेटिंग फॉर अ करेक्ट आंसर। सेम ऐसी अप्रोच है बेटा, हाँ इसने हिंट दूसरी देर की, इस बार क्या है CO2 का वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे, CO2 का वॉल्यूम कितना गिवन है, anybody can tell me what volume of CO2 is given over here, what volume of CO2 is given over here, अरे भाई 85 क्यों नहीं हो सकता भाई, आपने दो चीजें ली है ना यहाँ पे, तो आपने कितना किया ये 10, ये कितना किया, इसके लिए x के लिए 5x चाहिए था ना, तो 5x के जरूरी थोड़ा ना कि 5x है, क्या 75 ml से ज्यादा नहीं हो सकता, कोई जरूरी थोड़ा ना कि हमने उतनी ही मात्रा में उतने सेम अमाउंट में लिया हुआ है, एक्सेस रिएजेंट भी तो हो सकता है ना ये, कोई जरूरी थोड़ा ना कि दोनों लिमिटिंग रिएजेंट होंगे, एक्सेस रिएजेंट तो पड़ा है ना, एक्सेस रिएजेंट तो हो ही सकता है ये, तो ऐसा कोई जरूरत हो ना कि इसके लिए अगर ये हमने 5 लिया तो ये 25 ही लेना पड़ेगा, वो 30 दे देगा तो आप रिएक्शन नहीं करवाओगे क्या चंदन, आप रिएक्शन नहीं करवाओगे, अगर ये 5 की जगह ये 5 के लिए 25 है तो यहाँ मैं 30 दे दूं या 35 है तो रिएक्शन नहीं होगी, तो अगर 35 30 दे दे तो 5 ml बचा रहेगा ना, तो फाइनली एड होगा नहीं होगा इसमें, तो अगर कितना है 75 ml, 75 रिएक्ट कर गया और 10 ml बचा रह गया, तो टोटल कितना आ गया 85 ही तो आया। चलिए हाँ ठीक है, देखिए मैं इसको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं आपके सामने, ये रिएक्शन थी हमने बैलेंस किया हुआ था, अब 20 ml के लिए कितना है, हमने रिएक्शन मिक्सचर ये लिए हाइड्रोकार्बन की था 20 ml, तो 20 ml के लिए कितना होगा xy/4 × 20, ये कितना होगा 20, वाटर को मैं काउंट करने की जरूरत नहीं, अब डेल्टा भी देखिए कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम 60 ml, तो ये कितना है प्रोडक्ट रिएक्टेंट 20 और प्लस दिस, तो ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया रिएक्टेंट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा 20x, तो जब इसको और ये डेल्टा भी कितना है 60, तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 4, और अगर ठीक है एक तो ये वाली ये वैल्यू आई, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें क्या है एल्कली KOH के साथ कौन एब्जॉर्ब क्या एब्जॉर्ब होता है CO2 एब्जॉर्ब होता है, तो इसका मतलब क्या होगा ये जो 20x = कितना हो गया 80 हो गया, तो 20x = 80, तो x = कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और x = यहाँ पे जब 4 पुट करेंगे तो हम y कैलकुलेट कर लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8 आ जाएगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम कितना था 60 ml था, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो ये इक्वेशन ये आ गई = 60, और बोला है क्या कि जब रिजल्टेंट मिक्सचर इज ट्रीटेड विद KOH तो अनदर कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व्ड ऑफ 80 ml, तो 80 ml कितना हो गया ये KOH क्या ऑब्जर्व करता है CO2, तो इसका मतलब जो 20x = कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो x = कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 4 की तो x की वैल्यू कितनी आएगी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा C4H8 आ जाएगा। ठीक है राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं राइट ठीक है। चलिए ठीक है देखते हैं इसका आंसर कोई बता पाता है कि नहीं बता पाता, राइट ऑप्शन है इस बार आपके पास,
ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मर्जी करें, अप्रोच करें बेटा, सही है ना, ठीक है। अप्रोच शुड बी एक्यूरेट, राइट, अप्रोच सही होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन है, व्हेन द सर्टेन वीएमएल ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन इज एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस O2। देखिए यहाँ पे गिवन भी है एक्सेस O2 है ना, ठीक है ना, नहीं भी गिवन होगी तो हम एक्सेस मान लेंगे, ठीक है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो। द प्रोडक्ट इज कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, द ऑब्जर्व कॉन्ट्रेक्शन इन वॉल्यूम इज 1.5 ml, ठीक है, अ फर्दर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ 2V वॉज ऑब्जर्व ऑन एन एक्सपोजर ऑफ प्रोडक्ट गैसेस टू एल्कली, ठीक है ना। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, सेम क्वेश्चन है जैसे अभी दिया था, सेम क्वेश्चन है, इस बार वैल्यू की जगह वी गिवन है, एक्सीलेंट फॉर्म में। सौम्या इज गिवन द करेक्ट आंसर बेटा, नो ना, ए आंसर नहीं है, सी नहीं है, बी डी नहीं है, आंसर इज करेक्ट आंसर इज बी बेटा, करेक्ट आंसर क्या है, बी है, ठीक है, राइट, हाउ इट इज बी, देखिए बेटा, हाँ ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे अभी आपने किया था वैसे ही क्वेश्चन है, हमने रिएक्शन लिख दी, इसके वी एम एल से इसका कितना एम एल रिएक्ट करेगा, एक्स प्लस वाई बाय फोर इन टू वी, तो इसका कितना बनेगा एक्स वी एम एल, वाटर लेने की जरूरत नहीं क्योंकि कूल कर दिया है, लिक्विड है वो, ठीक है ना, तो डेल्टा वी क्या हो गया, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है ना, तो वी से वी कैंसिल हो गया, एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास, राइट। और क्या बोला हुआ है कि जब आपने क्या करा, एल्कली से पास कराया तो कॉन्ट्रेक्शन वॉल्यूम 2V हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स वी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2V हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है ना, वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2, तो करेक्ट आंसर क्या है, C2H2 इज द करेक्ट आंसर, C2H2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, हम बार बार एक ही चीज कर रहे हैं बेटा, डेल्टा वी का यूज कर रहे हैं बस बार बार, है ना। एक्सेप्ट पर बेटा, किसी और को भी क्लियर है, एक्सेप्ट पर गर्ग एनीबॉडी, ठीक है, चलिए। हाँ मैं अभी ये आपको बताऊंगा नहीं, इसका इसका आंसर आपको बताना है, हाँ ठीक है, ऑप्शन सेम है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन सेम है, हाँ जो अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ इसके ऑप्शन यही वाले ऑप्शन है, और आपको करेक्ट आंसर बताना, यही क्वेश्चन है आपके सामने, राइट, ऑप्शंस आर सेम, C2H4, C2H2, C2H6, C3H4, 5 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, 5 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन वॉज एक्सप्लोडेड विथ 30 ml ऑफ O2, द रिजल्टेंट गैसेज ऑन कूलिंग वॉज फाउंड टू मेजर 25 ml ऑफ विच इज 10 ml अब्सॉर्ब बाय QH एंड द रिमेनिंग गैस बाय अल्कलाइन पायरोगेलॉल, याद है पायरोगेलॉल O2 को एब्जॉर्ब करता है, राइट, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। महक का आंसर सही है, सौम्य रॉन्ग आंसर है बेटा इस बार, महक हैज गिवन द राइट आंसर बेटा, वेरी गुड, नहीं मुस्कान रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है राघव। देखिए क्या है, हाँ ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ सोनू का आंसर सही है, सोनू इज गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड, राइट, राघव गो रॉन्ग आंसर है। देखिए क्या है बेटा, हाँ क्या कह रहा था, रिजल्टेंट गैसेस ऑन, हाँ मुस्कान अभी ठीक है बेटा, आर रिजल्टेंट गैसेस ऑन कूलिंग वॉज फाउंड टू मेजर 25 ml, ठीक है ना, राइट, अब क्या है, देखिए क्या है, जब 5 ml हाइड्रोकार्बन आपने बर्न कर दिया तो हाइड्रोकार्बन बचानी, चंदन ठीक है, नहीं चंदन बेटा रॉन्ग आंसर है, राइट, तो बचानी, अब कंबशन के बाद दो ही चीजें बचेंगी, या तो ऑक्सीजन बचा होगा और CO2 बचा होगा, क्योंकि वाटर तो लिक्विड होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है, द रिजल्टेंट गैसेज, रिजल्टेंट गैसेज सिर्फ दो भी, एक ऑक्सीजन जो एक्सेस में रही होगी और एक क्या रहा होगा, कितना एक जो CO2 बना होगा, अब टोटल वॉल्यूम कितना है उनका 25 ml,
अब 10 वॉल्यूम इज अब्सॉर्ब बाय क्यूएच, तो मुझे बताओ ये वॉल्यूम किसका है, 10 ml किसका वॉल्यूम है, 10 ml किसका वॉल्यूम है, CO2 का। और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा फिर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 15 हो गया, वेरी गुड, कितना हो गया 15। तो अब देखिए बस क्वेश्चन हो गया, अभी हमने रिएक्शन लिख दी, ठीक है ना, ये कितना था 5 ml के लिए कितना था 5 into x plus y by 4, ये 5x, तो 5 into x y by 4 is equal to 15, ठीक है ना, और 5x is equal to कितना था, ये 10 था, तो ये क्या है CO2 10 है और ऑक्सीजन कितना है 15 है, तो x is equal to कितना आ गया 2, y कितना आ गया 4, तो आंसर क्या हो गया C2H4 आ गया, क्या हो गया C2H4 आ गया। ठीक है बेटा, मैं अब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, राइट, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क सम क्वेश्चन ही और शी कैन आस्क बेटा। समझ में आया बेटा इडियोमेट्री का टॉपिक आप लोगों को? सर 15 कैसे आया? ये रिपीट कर दें, देखिए क्या था, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, द रिजल्टेंट गैसेस ऑन कूलिंग मेजर 25 ml, जब आपने 5 ml हाइड्रोकार्बन को बर्न कर दिया, ठीक है ना, तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन बचा नहीं, खत्म हो गया, और वाटर जो है वो खुद लिक्विड है, तो इसका मतलब सिर्फ दो ही गैसेज भी, एक कौन सी गैसेज होगी, यहाँ पे पता चल रहा है, क्योंकि एल्कलाइन जो पायरोगेलोल है वो O2 को एब्जॉर्ब करता है और जो QH है वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो हमें पता चल गया कि जो रिजल्टेंट गैसेज है उसमें दो गैसेज है, एक O2 और CO2, O2 इसलिए होगी क्योंकि एक्सेस में होगी, इसीलिए बची रह गई, तो इसका मतलब कितना होगा, आउट ऑफ 25 10 ml तो QH ने एब्जॉर्ब किया, तो इसका मतलब कितना हो, जो 5x हो गया वो क्या हो गया 10 के बराबर, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, क्योंकि CO2 क्या है, KOH क्या अब्सॉर्ब करेगा CO2, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5x2, और O2 जो है वो कितना हो जाएगा, 25 टोटल था तो 10 CO2 था, तो 15 क्या हो गया O2 हो गया, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यस सर, क्लियर है बेटा? यस सर, सभी को बेटा, सभी को हुआ है क्लास में, सभी को क्लियर है? यस सर, बेटा तो कर लेना इडियोमेट्री का, ठीक है, राइट, सर नोट सेंड कर देना सर, ठीक है बेटा, नोट सेंड कर दूंगा मैं, सर नोट सेंड कर देना, ठीक है बेटा। इडियोमेट्री सितंबर टेस्ट आएगा क्या, क्या कह रहे हैं बेटा, सितंबर टेस्ट में आएगा सर, इडियोमेट्री सितंबर टेस्ट में आएगा क्या, जो यहाँ तक हमने किया बेटा यहाँ तक आ सकता है, ये जो देखिए क्या है वहां तक जरूर आएगा बेटा, क्या कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तक आएगा, क्या आएगा, जो मैंने पहले भी बोला अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो क्लास में करा रहा हूँ बेटा वो आप अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है ना, रिवाइज करना सारे नोट, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, राइट, नोट्स रिवाइज करोगे, जो भी क्लास में क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको रिवाइज करके आओगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा सारे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव होगा, हाँ जी ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का, मार्क्स का पता नहीं बेटा, क्वेश्चन 50 होंगे, 1 आवर ड्यूरेशन होगी, इक्विवेलेंट कौन सा आएगा, हाँ जी बेटा वो आएगा, इक्विवेलेंट आएगा बेटा, थैंक यू सर, आईयूपीएससी आएगा सर, हाँ जी आईयूपीएससी भी आएगा।